माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित माननीय राज्य मंत्रीगण उद्योग व्यापार एवं एकेडमिक जगत से जुड़े सभी एक्सपर्ट्स विद्यालयों विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों से जुड़े हमारे शिक्षक छात्र एवं ऑफिशियल्स आज के इस वेबिनार में आप सबका हार्दिक स्वागत है आज का वेबिनार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मार्गदर्शित इनोवेशन है इसमें सभी प्रमुख स्टेक होल्डर्स को एक मंच पर लाकर परामर्श के माध्यम से डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना 200 टीवी, टीवी चैनल की लॉन्चिंग के लिए ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान डिजिटल टीचर द्वारा ई कंटेंट और स्किल डेवलपमेंट का क्वालिटी ट्रांजैक्शन, अर्बन प्लानिंग में भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे विषयों पर विचार किया जाएगा इन सभी विषयों पर बजट 2022 में हुए अनाउंसमेंट्स को अमल करने के लिए एक टाइम बाउंड कार्यक्रम बनाने में सहायता मिलेगी यह सभी प्रयास नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक्सेस इक्विटी क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला और हम सबको अपने विचारों से अवगत कराने की सहमति दी अंत में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे मार्गदर्शन करें आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट साइंस टेक्नोलॉजी और रिसर्च से जुड़े सभी महानुभाव देवी और सज्जनों हमारी सरकार ने बजट से पहले और बजट के बाद स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की संवाद की एक विशेष परंपरा विकसित की है आज का ये कार्यक्रम उसी की एक कड़ी है इसी क्रम में आज शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को लेकर बजट में जो प्रावधान हुए हैं उस पर आप सभी स्टेक होल्डर से अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होने वाली है फ्रेंड्स हमारी आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है वहीं भविष्य के नेशन बिल्डर्स भी हैं इसलिए आज की युवा पीढ़ी को एम्पावरिंग करने का मतलब है भारत के भविष्य को एम्पावर करना इसी सोच के साथ 2022 के बजट में एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी पांच बातों पर बहुत जोर दिया गया है पहला यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो उसकी क्वालिटी सुधरे और एजुकेशन सेक्टर की क्षमता बढ़े इसके लिए अहम निर्णय लिए गए हैं दूसरा है स्किल डेवलपमेंट देश में डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम बने इंडस्ट्री 4.0 की जब चर्चा चल रही है तो इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट हो इंडस्ट्री लिंकेज बेहतर हो इस पर ध्यान दिया गया है तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है अर्बन प्लानिंग और डिजाइन इसमें भारत का जो पुरातन अनुभव और ज्ञान है उसे हमारी आज की शिक्षा में समाहित किया जाना आवश्यक है चौथा अहम पक्ष है इंटरनेशनलाइजेशन भारत में वर्ल्ड क्लास विदेशी यूनिवर्सिटियां आए जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं जैसे गिफ्ट सिटी है वहां फिनटेक से जुड़े संस्थान आए इसे भी प्रोत्साहित किया जाए पांचवा महत्वपूर्ण पक्ष है ए जी सी यानी एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग कॉमिक। इन सभी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है इसे पूरा करने के लिए हम भारतीय टैलेंट का कैसे इस्तेमाल बढ़ाएं इस पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है ये बजट नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जमीन पर उतारने में बहुत मदद करने वाला है साथियों कोरोना आने से काफी पहले से देश में मैंने अनेक बार डिजिटल फ्यूचर की बात करता रहा हूं जब हम हाँ अपने गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं जब हम डेटा की कीमत कम से कम रखने के प्रयास कर रहे थे कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार रहे थे तो कुछ लोग सवाल उठाते थे कि इसकी जरूरत क्या है लेकिन महामारी के समय में हमारे इन प्रयासों की अहमियत को सबने देख लिया है ये डिजिटल कनेक्टिविटी ही है जिसने वैश्विक महामारी के इस समय हमारी शिक्षा व्यवस्था को बचाए रखा हम देख रहे हैं कि कैसे भारत में तेजी से डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है इनोवेशन हमारे यहां इंक्लूजन सुनिश्चित कर रहा है और अब तो देश इंक्लूजन से भी आगे बढ़कर इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है इस दशक में हम जो आधुनिकता शिक्षा व्यवस्था में लाना चाहते हैं उसके आधार को मजबूत करने के लिए इस साल के बजट में कई घोषणाएं की गई हैं डिजिटल एजुकेशन डिजिटल फ्यूचर की तरफ बढ़ते भारत के व्यापक विजन का हिस्सा है इसलिए ई विद्या हो वन क्लास वन चैनल हो डिजिटल लैब्स हो डिजिटल यूनिवर्सिटीज हो ऐसा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं को बहुत मदद करने वाला है ये भारत के सोशियो इकोनॉमिक सेटअप में गांव हो गरीब हो दलित पिछड़े आदिवासी सभी को शिक्षा के बेहतर समाधान देने का प्रयास है साथियों नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी भारत की शिक्षा व्यवस्था में अपनी तरह का अनोखा और अभूतपूर्व कदम है ये डिजिटल यूनिवर्सिटी में वो ताकत देख रहा हूं कि ये यूनिवर्सिटी हमारे देश में सीटों की जो समस्या होती है उसे पूरी तरह समाधान दे सकती है जब हर विषय के लिए अनलिमिटेड सीट्स होगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन शिक्षा जगत में आ जाएगा ये डिजिटल यूनिवर्सिटी लर्निंग और रीलर्निंग की मौजूदा और भविष्य की जरूरतों के लिए युवाओं को तैयार करेगी शिक्षा मंत्रालय यूजीसी ए और सभी स्टेक होल्डर्स सबसे मेरा आग्रह है कि ये डिजिटल यूनिवर्सिटी तेजी से काम शुरू कर सके ये सुनिश्चित होना चाहिए शुरू से ही ये डिजिटल यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को लेकर चले ये देखना हम सभी का दायित्व है साथियों देश में ही ग्लोबल स्टैंडर्ड के ही इंस्टीट्यूट का निर्माण करने का सरकार का इंटेंट और उसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क भी आपके सामने है अब आपको अपने प्रयासों से इस इंटेंट को जमीन पर उतारना है आज विश्व मातृभाषा दिवस भी है मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के मानसिक विकास से जुड़ी है अनेक राज्यों में स्थानीय भाषाओं में मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई शुरू हो चुकी है अब सभी शिक्षाविदों की ये विशेष जिम्मेदारी है कि स्थानीय भारतीय भाषाओं में बेस कंटेंट और उसके डिजिटल वर्जन के निर्माण को गति दी जाए भारतीय भाषाओं में ये ई कंटेंट इंटरनेट मोबाइल फोन टीवी और रेडियो के माध्यम से सभी के लिए एक्सेस हो इस पर काम करना है भारतीय साइन लैंग्वेज में भी हम ऐसे पाठ्यक्रम विकसित कर रहे हैं जो दिव्यांग युवाओं को सशक्त कर रहे हैं इसमें भी निरंतर सुधार करते रहना बहुत जरूरी है डिजिटल टूल्स डिजिटल कंटेंट को कैसे बेहतर तरीके से डिलीवर किया जाए इसके लिए हमें टीचर्स को भी ऑनलाइन ट्रेन करने पर जोर देना होगा साथियों डायनामिक स्किलिंग आत्मनिर्भर भारत के लिए और ग्लोबल टैलेंट डिमांड के लिहाज से भी बहुत अहम है पुराने जॉब रोल्स जिस तेजी से बदल रहे हैं उनके अनुसार हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को तेजी से तैयार करना होगा इसलिए एकेडेमिया और इंडस्ट्री को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड डिस्टैक ई पोर्टल और ई स्किलिंग लैब की जो घोषणा बजट में की गई है उसके पीछे यही सोच है साथियों आज टूरिज्म इंडस्ट्री ड्रॉन इंडस्ट्री एनिमेशन और कार्टून इंडस्ट्री डिफेंस इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री पर हमारा बहुत अधिक फोकस है इन सेक्टर्स से जुड़े मौजूदा उद्योगों और स्टार्टअप के लिए हमें ट्रेन मैन पावर की आवश्यकता है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग और कॉमिक इस सेक्टर के विकास के लिए टास्क फोर्स का गठन इसमें बहुत मदद करने वाला है इसी तरह अर्बन प्लानिंग और डिजाइनिंग देश की जरूरत भी है और युवाओं के लिए अवसर भी है आजादी के अमृत काल में भारत अपने अर्बन लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है इसलिए ए जैसी संस्थानों से देश की विशेष अपेक्षा है कि इससे जुड़ी पढ़ाई और ट्रेनिंग में निरंतर सुधार हो साथियों एजुकेशन सेक्टर के द्वारा हम आत्मनिर्भर भारत के अभियान को कैसे सशक्त करेंगे इस पर आप सभी के इनपुट्स देश के काम आएंगे मुझे विश्वास है कि हम सभी के साझा प्रयासों से बजट में तय लक्ष्यों को हम तेजी से लागू कर पाएंगे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी प्राथमिक शिक्षा है गांव तक अनुभव यह आ रहा है कि स्मार्ट क्लास के द्वारा एनिमेशन के द्वारा दूर सुदूर लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा या हमारी जो नई कल्पना है कि वन क्लास वन चैनल गांव तक हम अच्छी क्वालिटी की शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं बजट में इसका प्रावधान है हम इसको लागू कैसे करें आज जब हम बजट को लेकर के चर्चा कर रहे हैं तो आज अपेक्षा यह नहीं है कि बजट कैसा हो क्योंकि वो तो हो गया अब अपेक्षा आपसे ये है कि बजट की जो चीजें हैं वो जल्दी से जल्दी हम सिमलेसली नीचे लागू कैसे करें आपने बजट का अध्ययन किया होगा आप फील्ड में काम करते हैं बजट और आपके काम और एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्किल डिपार्टमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की अपेक्षाएं इन तीनों को मिला करके अगर हम एक अच्छा रोड मैप बना देते हैं हम टाइम बाउंड काम की रचना कर देते हैं हमारे यहां हमने आपने देखा होगा मैं बजट हमने करीब एक महीना पीपॉन कर दिया पहले बजट 28 फरवरी को होता था अब इसको एक फरवरी को ले गए क्यों तो बजट एक अप्रैल से लागू हो उसके पहले बजट पर हर कोई डिटेल व्यवस्था कर ले ताकि एक अप्रैल से ही बजट को हम धरती पर उतारना शुरू कर सकें हमारा समय बर्बाद ना हो और मैं चाहूँगा कि आप लोग उसमें काफ़ी अब जैसे आपने देखा होगा ये ठीक है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई नहीं है अब देश ने सोचा है कि बहुत बड़ी मात्रा में सैनिक स्कूलों को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की ओर आगे बढ़ेंगे अब सैनिक स्कूल कैसे हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल क्या होगा डिफेंस मिनिस्ट्री उसके लिए बजट देने वाली है तो सैनिक स्कूल जो है बनेंगे, उसके टीचर की स्पेशल ट्रेनिंग कैसे होगी आज जो हमारे टीचर्स ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं हैं उसमें सैनिक स्कूल के टीचर्स की स्पेशल ट्रेनिंग क्योंकि उसमें फिजिकल पार्ट भी होगा उसको हम कैसे कर सकेंगे उसी प्रकार के स्पोर्ट्स हमारे देश में इस ओलंपिक के बाद स्पोर्ट्स ने एक विशेष आकर्षण पैदा किया है स्किल की दुनिया का विषय तो है ही है खेल जगत का भी है क्योंकि टेक्निक टेक्नोलॉजी इसने भी अब स्पोर्ट्स में बहुत बड़ी जगह बना ली है तो हम जब ये सोचते हैं उसमें हमारा कोई रोल हो सकता है क्या कभी हमने सोचा है जिस देश में नालंदा तक्षशिला बलभी इतने बड़े शिक्षा संस्थान आज हमारे देश के बच्चे विदेश पढ़ने के लिए मजबूर हो क्या ये हमारे लिए ठीक है क्या हम देखें हमारे देश से जो बच्चे बाहर जा रहे हैं अनाप शनाप धन खर्चा हो रहा है वो परिवार कर्ज कर रहा है क्या हम हमारे देश में दुनिया की यूनिवर्सिटीज को ला करके हमारे बच्चों को हमारे यहां एनवायरमेंट में और कम खर्चे में पढ़ाई के लिए उनके लिए चिंता कर सकते हैं ऐने प्री प्राइमरी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक पूरा हमारा जो खाका है वो 21वीं सदी के अनुकूल कैसे बने हमारे बजट में जो कुछ भी बना है ठीक है इसके बावजूद भी किसी को लगेगा नहीं ऐसा होता तो अच्छा होता अगले साल सोचेंगे इसके लिए अगले बजट में सोचेंगे अभी तो जो हमारे पास उपलब्ध बजट है उस बजट को हम धरती पर कैसे उतारें अच्छे से अच्छे ढंग से कैसे उतारें ऑप्टिमम आउटकम कैसे मिले आउटपुट नहीं ऑप्टिमम आउटकम कैसे मिले अब जैसे अटल टिंकरिंग लैब अटल टिंकरिंग लैब काम देखने वाले लोग अलग है लेकिन संबंध तो उसका किसी न किसी एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है हमें इनोवेशन की बात करनी है तो अटल टिंकरिंग लैब को हम कैसे आधुनिक बनाएंगे यानी सारे विषय ऐसे हैं कि बजट के परिप्रेक्ष्य में और नेशनल एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में ये पहला बजट ऐसा है जो हम तुरंत लागू करके आजादी के इस अमृत महोत्सव में अमृत काल की नींव रखना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें लाना जरूरी है आप सभी स्टेक होल्डर्स के साथ आप जानते हैं जब बजट प्रस्तुत होता है उसके बाद एक ब्रेक पीरियड होता है और सभी सांसद मिलकर के छोटे 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 ग्रुपों में बजट की बारीकी से चर्चा करते हैं और बहुत ही अच्छी चर्चा होती है अच्छे चीजें उसमें जो उभर करके आती है लेकिन हमने उसको एक दायरा और बढ़ाया सांसद तो इन दिनों ही कर रहे हैं लेकिन अब हम सीधे डिपार्टमेंट के लोग स्टेक होल्डर के साथ बात कर रहे हैं यानी हमने एक प्रकार से सबका प्रयास ये जो मैं कह रहा हूं ना सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास इस बजट में भी सबका प्रयास ये बहुत आवश्यक है बजट ये सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है जी बजट अगर हम सही ढंग से सही समय पर सही तरीके से उपयोग करें तो हमारे सीमित संसाधनों से भी हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और ये तब संभव होता है कि बजट से क्या करना है क्लैरिटी अगर सबके मन में आ जाए आज की चर्चा से एजुकेशन मिनिस्ट्री स्किल मिनिस्ट्री उनको भी बहुत बड़ा लाभ होगा क्योंकि आपकी बातों से पक्का होगा कि ये बजट बहुत अच्छा है डिकना है लेकिन इसमें ये करेंगे तो मुश्किल होगा ये करेंगे तो ठीक होगा बहुत प्रैक्टिकल बातें उभर करके आएगी खुल करके आप अपने विचार रखिए मूल बात है तत्वज्ञान की चर्चा नहीं है व्यवहार जीवन में इसको धरती पर कैसे उतारना अच्छे ढंग से कैसे उतारना सरलता से कैसे उतारना सरकार और सामाजिक व्यवस्था इसके बीच में कोई दूरी न हो मिलकर के काम कैसे हो इसलिए यह चर्चा है मैं आप सबका फिर से एक बार जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूं पूरे दिन भर जो आपकी चर्चाएं चलेगी उसमें से बहुत ही अच्छे बिंदु निकलेंगे जिसके कारण डिपार्टमेंट तेज गति से निर्णय कर पाएगा और हम ऑप्टिमम हमारे संसाधनों का उपयोग करते हुए हम अच्छा आउटकम के साथ अगले बजट की तैयारी करेंगे मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बहुत बहुत धन्यवाद